भाई किसानों के आंदोलन को शुरू से ही राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इंतजामों का जायजा लेने के लिए वहां पर यानी कि सिंघू बॉर्डर जो है वहां पर पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ी है और किसानों के मांग से पूरी तरह सहमत है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को मान लेना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि वो आंदोलन में बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक सेवक बनकर आए हैं। कुछ दिक्कत नजर आई है जिसे ठीक कर लिया जाएगा। केजरीवाल ने भारत बंद को भी सफल बनाने की भी लोगों से अपील की। केजरीवाल ने सबसे बड़ा हमला केंद्र की मोदी सरकार पर बोला। उन्होंने कहा कि आंदोलन के शुरुआती दौर में दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम की मांग की गई थी ताकि उसे जेल बनाया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था। नहीं पहुंचेगा भाई, नहीं पहुंचेगा पंजाबी भाई, नहीं पहुंचेगा। चले साटा चारों तरफ से कई फोन आए, दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने भाई फोन उनकी बात नहीं सुनी। नीचे नीचे पर हाथ तुम्हें जरूरी नहीं है, अपना हाथ नीचे। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे MLA, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। नीचे करो, पहले हाथ नीचे करो। मंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। भारत माता की जय। किसान 24 घंटे मेहनत करके हमारे लिए, आज किसान मुसीबत में, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा। आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो MLA है, कल रात को यहीं सोए हैं, उनके समर्थन में पूरी रात ही यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द। सर, आम आदमी पार्टी के बंद में समर्थन देती है पूरी तरह से? आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूँ कि सब लोग। अरविंद जी, ये कहा गया कि दूध, फल, सब्जी ये सब भी नहीं आएगा। ये चार मंडियों को बदला गया है जो उनको कानून जो लागू किए गए हैं उस पे वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत। अरविंद, ये कहा जा रहा है कि कल से बंद में दूध, फल, सब्जी ये सब भी बंद रहेगा। कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकले।